दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ कि पीएफ का जो पेंशन है, पेंशन के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में तो आप लोगों को बिल्कुल लाइव स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से मोबाइल फ़ोन से पीएफ का जो पेंशन है, पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुना है। लेकिन दोस्तों, एक बात आप लोगों को तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि बाकी जो वेबसाइट होता है, बाकी जो पोर्टल होता है, बाकी पोर्टल से पीएफ की जो साइट है ये काफ़ी मतलब हाई नेटवर्क चाहता है। इसलिए अगर आपके पास नेटवर्क की कमी है तो ऐसा लोकेशन आप ढूंढना है जहाँ नेटवर्क अवेलेबल होता है, वहाँ जाके अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है, सर्च बार में टाइप करना है EPFO, इसके बाद सर्च करना है। इसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट लिंक है मेंबर होम, तो इस लिंक पर आप क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप लोग के सामने नया इंटरफेस जो है ओपन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए, राइट साइड टॉप कॉर्नर में त्रिबिंदु है, त्रिबिंदु ऑप्शन पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप मोड जो है ऑन करना है, तो भी जाके आप ये काम जो है कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, ये डेस्कटॉप मोड जो है मेरा ऑन है, यहाँ आप देख सकते हो, तो ये ऑन कर लीजिए, अदरवाइज आप मोबाइल से काम नहीं कर सकते हो। ऑन करने के बाद आपको करना क्या है, देखिए थोड़ा सा नीचे आपको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद सबसे पहले तो देखिए, इस बॉक्स पर UN नंबर टाइप करना है, इसके बाद पासवर्ड इस बॉक्स पर टाइप करना है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद ये जो कैप्चा कोड है इस बॉक्स पर टाइप करना है, इसके बाद देखिए साइन इन ऑप्शन पर करना है क्लिक। इसके बाद दोस्तों, फिर से नेक्स्ट और एक इंटरफेस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इसके बाद एक वन टाइम पासवर्ड जो है, यानी कि एक OTP सेंड किया जाएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। जैसा कि आप देख सकते हो, इस पर OTP जो है फिलअप करना है। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड है नीचे दिखे कैप्चा, इस बॉक्स पर कैप्चा जो है फिलअप करना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद देखिए सबमिट बटन है, सबमिट बटन पर करना है क्लिक। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने ओपन होगा। एक पॉपअप मैसेज आप लोग देख सकते हो, तो ये पॉपअप मैसेज जो है नीचे देखिए फाइल नाउ एंड लेटर आप देख सकते हो, तो इसमें दोस्तों लेटर ऑप्शन पर क्लिक करके ये हटा देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, देख सकते हो देखिए नीचे कुछ देखिए ऑप्शन वगैरह आ रहा है। जैसा कि आप देख लीजिए कि कुछ मतलब मेंबर प्रोफाइल्स की कुछ देखिए डाटा यहाँ शो हो रहा है। ये नंबर वन UN नंबर, उसके बाद नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये चीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन आप क्या करना है कि देखिए सबसे टॉप पर देखिए कुछ ऑप्शंस दिया गया है, इनमें से देखिए ऑनलाइन सर्विस जो है इस ऑप्शन पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ ऑप्शंस फिर से आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से शो होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे फर्स्ट जो है क्लेम फ्रॉम 31, 19, 10C एंड 10D, तो इस ऑप्शन आपको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद फिर से लोडिंग होगा, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट इंटरफेस फिर से कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने ओपन होगा। यहाँ दोस्तों सारे डिटेल्स आप देख सकते हो, जैसे कि एम्प्लॉई नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, KYC डिटेल्स एंड आधार नंबर, पैन नंबर, IFSC कोड। लेकिन आपको क्या करना है कि वेरीफाई करने के लिए एक ऑप्शन देखिए एंटर बैंक अकाउंट और नीचे देखिए वेरीफाई, तो सबसे पहले तो इस बॉक्स पर अकाउंट नंबर फिलअप करना है। लेकिन दोस्तों, जो अकाउंट नंबर आप फिलअप करेंगे वही अकाउंट नंबर फिलअप करना है जो KYC के साथ अटैच्ड है, यानी कि जब KYC किया है उस टाइम जो अकाउंट नंबर फिल किया है वही अकाउंट नंबर इस बॉक्स पर फिलअप करना है। नीचे वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो, आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन, यानी कि जो बैंक अकाउंट फिल किया है ये सही है, अगर सही है तो येस करना है, अगर गलत है तो नो ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये श्योर होना है। इसके लिए क्या करना है कि येस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप येस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो बैंक अकाउंट की आगे देखिए ग्रीन टिक आ चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है कि थोड़ा सा नीचे आपको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद एक ऑप्शन देखिए प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से आप लोग के सामने ओपन होगा। जैसा कि यहाँ मोबाइल नंबर, UN नंबर, नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिस्टिंग, आप सारी चीज़ देख सकते हो। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन देखिए आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, और आगे एक बॉक्स देखिए, तो इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन जो है शो करेगा। तो पेंशन की जो पैसा है ये विड्रॉल करने के लिए सेकंड ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ओनली पेंशन विड्रॉयल फ्रॉम 10C, ये ऑप्शन आपको चूज़ करना है। दोस्तों चूज़ करने के बाद आपको कुछ सेकंड इंतज़ार करना है, आपको ना बैक करना है ना रिफ्रेश करना है, कुछ भी नहीं करना है। ऑटोमेटिकली देखिए नीचे जो है और इंटरफेस शो करेगा जैसा कि आप देख सकते हो, और आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और करने के बाद देखिए नीचे ऑटोमेटिकली और पेज शो करने लगेगा। आप देख सकते हो नीचे पेज और आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक ऑप्शन देखिए, जैसा कि देखिए अपलोड फ्रॉम 15G, तो ये आपको छोड़ देना है। इसमें स्टार मार्क नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन दोस्तों नीचे देखिए एम्प्लॉय एड्रेस, तो एम्प्लॉय एड्रेस आपको फिलअप करना है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि एड्रेस कौन सा फिलअप करना है, जो आधार कार्ड में मौजूद है वही एड्रेस आपको फिलअप करना है। इसके बाद आप देखिए स्टेट चूज़ करना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, इसके बाद सिटी इस बॉक्स पर नाम लिखना है, इसके बाद एरिया पिन कोड डाल देना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, और स्लाइड करने के बाद देखिए चूज़ देखिए अपलोड स्कैन कॉपी चेकबुक या पासबुक, यानी कि बैंक अकाउंट की जो पासबुक है अपलोड करना है। और अपलोड करने की जो फाइल साइज़ है ये देखिए मिनिमम 100 KB से मैक्सिमम 500 KB तक होना चाहिए, और फाइल फॉर्मेट जो है JPG या JPEG फाइल में होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, स्लाइड करने के बाद देखिए इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना है, इसके बाद फिर से स्लाइड करना है, और स्लाइड करने के बाद देखिए और सब कुछ यहाँ फिल करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा आधार OTP, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले तो मैं सारा कुछ फिल करता हूँ, फिल करने के बाद आप लोगों के सामने ये जो ऑप्शन है हाईलाइट होगा। दोस्तों पासबुक अपलोड करने के बाद आगे एक ऑप्शन देखिए व्यू ऑप्शन पर क्लिक करके आप पासबुक देख सकते हो। इसके बाद नीचे स्लाइड करना है, और स्लाइड करने के बाद इस बॉक्स पर फिर से चेक मार्क लगाना है, जैसे कि मैं चेक मार्क लगाता हूं। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन देखिए गेट आधार OTP, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे मैंने गेट आधार OTP पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन देखिए एरर अनएबल टू रीच CIDR सर्वर URL, यानी कि अभी सर्वर जो है काम नहीं कर रहा है। तो आप क्या करना है कि गेट आधार OTP पर क्लिक करने के बाद आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। भाई OTP फिलअप करना है, उसके बाद सबमिट करना है, उसके बाद आपका जो काम है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप स्टेटस चेक करना है कि आपकी बैंक अकाउंट में ये पैसा सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, तो आप देख सकते हो। और लास्ट जो पॉइंट है ये मैं नहीं दिखा पाया, इसलिए आप लोग देख सकते हो सर्वर जो है काम नहीं कर रहा है। तो वीडियो आज के लिए इतना ही है।